टाटा ग्रुप एक ऐसा नाम है जो कि 32 सालों बाद भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना हुआ है। यही नहीं, टाटा ग्रुप ने देश के आम लोगों के साथ अपना जो रिलेशन बनाया है वो काबिले तारीफ है। और इसका एक और एग्जांपल देखने को मिला जब टाटा मोटर्स ने मुनाफा ना होते हुए भी अपने ट्रकों की कीमतों को बढ़ाने से मना कर दिया ताकि लोग इसे आसानी से अफोर्ड कर सकें। और इसके रिस्पेक्ट में सभी ट्रक वालों ने अपने ट्रक के पीछे ओके टाटा लिखवाना शुरू कर दिया, जो कि आज तक आपको ट्रकों के पीछे लिखा दिखाई देता था। गाइस, इतनी रिस्पेक्ट एक कंपनी या उसे चलाने वाले को तभी मिलती है जब उसमें लीडरशिप, मैनेजमेंट जैसे इंपोर्टेंट वैल्यूज होती है। वैसे गाइस, अगर आप भी इन सारी वैल्यूज को सीखना चाहते हैं तो कुकू एफएम पर टाटा स्टोरीज की एक बुक समरी एक बार जरूर पढ़ें। इसके साथ ही कुकू एफएम पर 3000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स, 1000 से ज्यादा आर्ट्स की कंटेंट लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, जहां आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज में कहीं भी कभी भी और कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं। वहीं अगर आप इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन को लेना चाहते हैं तो यूज द कोड A2M50 फॉर 50% डिस्काउंट। लेकिन गाइस, याद रखिएगा कि ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स तक ही सीमित है, तो जल्दी कीजिए। गाइज, अक्सर आपने इंसानों को जानवरों को खाने के लिए पालते देखा होगा, पर क्या आप ये बिलीव कर पाएंगे जब मैं आपसे कहूं कि चींटियां इंसानों से बेहतर तरीके से अपने खाने के लिए जानवरों को पालती हैं? जी हां गाइज, मैं बात कर रहा हूं अमेरिका में पाए जाने वाली लीफ कटर एंट्स के बारे में। अपने लिए तो नहीं, लेकिन ये फफूद के लिए खाना लाती हैं और फफूद को पालती हैं, और जब ये बड़ा हो जाता है तो उसे खाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके पालने के तरीकों को साइंटिस्ट देख और सीख रहे हैं कि इंसान कैसे इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइज, आपको स्कैम 1992 तो याद होगा और उसके अलावा बहुत से स्कैम्स के बारे में सुना होगा, पर अब एक नया स्कैम जो कि अब तक इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि ये स्कैम 34,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। ये रकम इतनी बड़ी है कि इंडिया के कई राज्यों के बजट भी इससे कम है। खबरों के मुताबिक इस स्कैम की शुरुआत 2018 से हुई और तब से इसमें गलत तरीके से फंडिंग लेकर पब्लिक मनी का गलत इस्तेमाल किया गया। इस स्कैम के लिए CBI ने DHFL हाउसिंग फाइनेंस को जिम्मेदार मानते हुए FIR भी दर्ज की है। पर गाइस, जरा सोचिए आखिर कैसे इतने बड़े स्कैम्स का पता चलता ही नहीं है और मिसयूज होने के बाद खबर मिलती है, क्योंकि आखिरकार ये हमारे देश का और हमारा ही पैसा है। आम तो आम, गुठलियों के भी दाम। दोस्तों, धूप और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है और ऐसे में मजेदार आम खाना किसे पसंद नहीं है। बाजार में कच्चे पक्के आम सज चुके हैं, अलग अलग प्रकार के आम मार्केट में आ चुके हैं और लोग जमकर आम खरीद कर खा रहे हैं। वैसे तो आम के कई फायदे हैं, लेकिन आम की गुठलियाँ भी बहुत काम की हैं। जानिए कैसे आप आम की गुठलियों का इस्तेमाल करके तमाम बीमारियाँ दूर कर सकते हैं। आम की गुठलियों से बनाए पाउडर कोलेस्ट्रॉल, डायरिया और दिल से जुड़ी बीमारियों से लड़ने में केपेबल हैं। गर्मियों में आप आम की गुठली का पाउडर पानी में मिलाकर अगर नहाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, साथ ही लू लगने से भी आप खुद को बचा सकते हैं। इसके पाउडर से बालों में चमक, बालों का पकना बंद होना और डैंड्रफ जैसे प्रॉब्लम्स को भी दूर करता है। आम की गुठलियों में फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम भी होता है, इसलिए ये कई बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। तो गर्मियों में आम के मजे लो और खुद का भी ख्याल रखो।